विश्व की प्रथम महिला एयर मार्शल और भारत की प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पद्मावती बंदोपाध्याय ने राजधानी के एक निजी होटल में नियोकॉन 2019 के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शिशु मृत्यु दर चिंता पर चिंता जताई। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय मंगल ने बताया कि अभी शिशु मृत्यु दर विश्व औसत से अधिक है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बर्थ असफ एक्सिया के मामले और अन्य गंभीर बीमारियों के चलते काफी जाने जाती हैं। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि समस्या पर काबू किया जाए। ये जनरल कॉन्फ्रेंस है जहां पे 5 स्टेट पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें नवजात शिशु में होने वाले नए नए इनोवेशन है, उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है, बच्चा देर से रोता है तो अपन कैसे उसको बचा सकते हैं, और बचाएं तो इंटैक्ट बचाएं, मींस न्यूरोलॉजिकली बच्चा सेफ होना चाहिए, है ना। ऐसे तो इसमें करीब करीब 8 वर्कशॉप हुई हैं, और ये 5th and 6th अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट सेशन में 8 to 9 इसमें सेशन होंगे। इसमें बच्चों के रेस्पिरेटरी पार्ट है, बच्चों के सांस की तकलीफ़ या बच्चों के ब्रेन की तकलीफ़, ये सब से इसमें यहाँ पे देश और दुनिया के बहुत बहुत डॉक्टर आए हैं। इसमें डॉक्टर अशोक देवरारी सर, ही इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड पीडियाट्रिक्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एंड डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, सी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ एयर मार्शल लेडी।